मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वजीर आला नॉमिनेट किया और मैं आप सबको आज उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सरदार उस्मान पंजाब के उस इलाके से है जो सबसे पसमानदा है। वहां ना लोगों के पास पानी है, ना बिजली है, ना अस्पताल है। वो लोग उस इलाके में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि वो एक पुराने जमाने में रह रहे हैं। सरदार उस्मान की खूबी ये है कि ये एक तो जानता है कि पसमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं, दूसरा सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है। लिहाजा मैंने इसका इसलिए इसको नॉमिनेट किया है क्योंकि सरदार उस्मान इंशाल्लाह जब सीएम बनेंगे तो ये इनको पता होगा कि इस मुल्क के पसमानदा इलाकों में लोगों पर क्या गुजर रहे। सरदार उस्मान वो वाहिद एमपी है जिसके घर में बिजली नहीं है और इंशाल्लाह ये जो हमारी विजन है कि हमने निचला तबका भी उठाना है, हमने पसमानदा इलाकों को भी ऊपर लेके आना है, ये इंशाल्लाह जो हमारी विजन है तहरीके इंसाफ की उसके ऊपर मुझे यकीन है कि ईमानदार सूबे का चीफ मिनिस्टर जबरदस्त काम करेगा और हमारी विजन पर पूरा उतरेगा। हमें फिर से रिपीट करूँ, मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए।